लोग कहते हैं कि लॉलीपॉप पकड़ा दिया विधायक के माध्यम से, विधायक ने चूसा दिया, चूसते रहे, रास्ता बंद कर दिया, दोबारा से लोग सड़कों पर है, कब इस रास्ते का हल होगा? जो गठबंधन के जो साथी हैं, विधायक हैं चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, वो मिल बैठ करके इस समस्या का समाधान निकाल, कब तक समस्या का समाधान होगा? लोग सड़कों पर जल्दी निकाल लेंगे, जरूर बैठाएंगे। उसी सरकार में से होंगे या अधिकारियों में से? अधिकारियों के क्यों, सरकार के नुमाइंदे राजनीतिक जो सफेद पोषे वो इतना अधिकारियों पर भंडा फोड़ देते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही। तेरी बात सुन ले, किसी अधिकारी की कोई गलती नहीं है, गलती है तो उस पद पर बैठे उन लोगों की है, सरकार की है। एक साल पहले भी ये हालात थे, ये नहीं बनाना था तो क्यों बनाया एक साल पहले, किस लिए ये पैसा खराब कराया, यही हालात करनी थी तो उस समय भी था। और जब एक साल का हो गया इसने, यदि अगर ये बंद करना था तो उससे पहले इसका अल्टरनेट देना चाहिए था। मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, आज भी सहमत नहीं हूँ इस बात से। बात नहीं सुनिए, आप डिप्टी सीएम साहब से बात करेंगे? हाँ बिल्कुल, डिप्टी सीएम साहब, मैंने तो आपको पहले कहा मिल बैठ करके समाधान करेंगे। अच्छा, फिलहाल बरवाला में और बिरवाला में हरियाणा के एक तरह से हिसार लोकसभा क्षेत्र के जितने भी एक तरह से मंत्री विधायक लगभग यहाँ पे मौजूद है। हम बात करेंगे शपथ ग्रहण समारोह था और उस विषय पे बात करेंगे, उसके बाद कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी बात होगी और उकलाना बरवाला और हिसार के आसपास के क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। पहले तो मंत्री जी हमारे साथ हैं, अनूप जी। अनूप जी, आज के कार्यक्रम को लेकर शपथ ग्रहण समारोह था, क्या कहना चाहेंगे आप? आज हमारे बरवाड़ा ब्लॉक समिति के चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन का जो शपथ ग्रहण समारोह था, दोनों पार्टियों के हमारा गठबंधन के जो प्रत्याशी थे वो चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद आज शपथ ग्रहण समारोह था। और शपथ ग्रहण समारोह में मैं चेयरपर्सन को भी और हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि सबको मिलजुल करके कार्य करें और सबको साथ लेकर के चलने का काम करें। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे विधायक जी जोगीराम जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान कैप्टन भूपेंद्र जी, सीमा जी, हमारे अनिल बाड़किया जी, तो सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पूरे जो हल्के से और जो ब्लॉक से जो साथी आए हैं, बुजुर्ग नौजवान साथी आए, उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। शपथ ग्रहण समारोह की अगर बात करें, विकास के लिए मुख्य तौर पर शपथ ली जाती है, विकास हो भ्रष्टाचार ना हो, उसमें क्या मानते हैं, ग्राउंड लेवल पर कितना भ्रष्टाचार है या विकास है? निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विकास कार्यों की जड़ी लगी हुई है। और उसी विकास कार्यों को लेकर के जो आज हमारे चेयरपर्सन और जो हमारे वाइस चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, शपथ ली है, वो भी अपने दिन रात मेहनत करके पूरे अपने ब्लॉक में विकास करवाने का काम करेंगे। आज की अगर बात करें, हिसार में एयरपोर्ट का मामला बहुत गरमाया हुआ है, हालांकि यहाँ से बड़ी बड़ी जहाज उड़ाने के आप लोग सपने देख रहे हैं, उसी बीच तलवंडी राणा का एक तरह से वहाँ का रास्ता बंद कर दिया है। सीधे तौर पर जेजेपी के ऊपर आरोप है कि जेजेपी दिल से नहीं चाहती रास्ता खुलवाना, वो आपसी जो मामला है वो मिल बैठ करके सुलझा लिया जाएगा, इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है, बैठ के सुलझा लिया जाएगा। तो पहले भी लोग कहते हैं कि लॉलीपॉप पकड़ा दिया विधायक के माध्यम से, विधायक ने चूसा दिया, चूसते रहे, रास्ता बंद कर दिया, दोबारा से लोग सड़कों पर है, कब इस रास्ते का हल होगा? जो गठबंधन के जो साथी हैं, विधायक हैं चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, वो मिल बैठ करके इस समस्या का समाधान निकाल, कब तक समस्या का समाधान होगा? लोग सड़कों पर जल्दी निकाल देंगे समस्या का समाधान। विधायक जी आप बताइए, आपको भी कहते हैं विधायक जी फोन नहीं उठाते, दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री ने फोन नहीं उठाए, उस हिसाब से विधायक जी ने फोन बंद करके कमरे में बंद होकर सो रहे हैं। मैं तो मेरा तो बंद होता ही नहीं, आपने लोगों का फोन नहीं उठा रहे आप, आपका उठाया उठाया खुद मिला के मेरा आपने उठाया है। लोगों की जो समस्या है उसके लिए आप क्या कहेंगे? हालांकि आपने कहा था कि अगर रास्ता नहीं खुलेगा तब तक लोगों के बीच में जाकर मैं बैठूंगा, धरने में आपके साथ मैं मौजूद रहूंगा। ऐसे टेलीफोन की बात है, टेलीफोन मेरा कभी बंद नहीं होता जी, सबके टेलीफोन उठाता हूँ। अच्छा, एक आदमी लेके आ जाओ जो इसके अंदर सेव है उसे रात ना करो, और जो सेव नहीं है और जो रात ने दिन छिपने के बाद किसी का नहीं उठाता जिसका सेव नहीं है, क्योंकि ये नहीं पता वो किस प्रकार का आदमी है। तो रास्ते को लेकर आप आश्वासन देके आए थे कि रास्ता खुलवा कर ही मैं यहाँ से जाऊँगा, नहीं तो मैं आपके बीच में हूँगा, रास्ता कब तक खुलेगा? अब महिलाएं बेटियां बहू वहाँ पर बैठकर वहीं रोटी चूल्हा चौका का काम शुरू उन्होंने कर दिया है, क्या मानते हैं आप? ऐसे कि मेरे से जो बन पाएगा रास्ता खुलवाने के लिए मैं वो करूँगा और वो मैं करने लग रहा हूँ। रही बात बीच में रहने की, मैं आज भी बीच में हूँ, मैं डेली जो है बात करता हूँ, आज भी मतलब जो अध्यक्ष जो संघर्ष समिति के हैं उनसे बात की है मैंने अभी आधा घंटा पहले जी। तो जैसे ही जो मेरे जुम्मे वो जो लोग काम लगाते हैं मैं वो काम करता हूँ और वही करने के लिए तैयार रहूँगा। ये नहीं कि भाई वहाँ 24 घंटे में नहीं वहाँ बैठना होता, ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, यदि अगर वो कहेंगे 24 घंटे बैठना तो वो भी करेंगे काम, वो उनके ऊपर संघर्ष समिति जो आदेश करेगी मैं उस हिसाब से चलूँगा उसमें जी। अध्यक्ष जी आप बताइए, जैसे भाजपा और जजपा दोनों गठबंधन की सरकारें, दोनों एयरपोर्ट का श्रेय लेने के लिए तो दोनों आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जनता की समस्या करने के लिए आगे नहीं निकल के आ रहे। देखिए, नया प्रोजेक्ट है
और नए प्रोजेक्ट में, और वो भी विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट है, कोई छोटा मोटा भी मामला नहीं है इसमें। जब तक ये क्रियान्वित नहीं होता, छोटी मोटी इस तरह की दिक्कत परेशानियां आएंगी, और जैसे जैसे आती जाएंगी इनका रिजॉल्व भी करते जाएंगे। अभी वाला जो विषय चल रहा है, जैसे अपने आदरणीय विधायक जी ने बताया, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि इसको टॉप लेवल तक सबको इसकी चिंता है, और बहुत जल्दी इसका जो समाधान है वो भी निकलेगा, बहुत जल्दी निकलेगा। सर, आपको नहीं लगता एयरपोर्ट से पहले गाँव के लोगों की समस्या को देखा जाना चाहिए था, जो आने जाने के लिए समस्या को देखा जाना चाहिए? बहू बेटियां मार्केट जाती है, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, लगभग 12 से 15 किलोमीटर उनको एक तरह से घूम के जाना पड़ेगा। रात के समय में लड़कियां करें तो करें क्या, कॉलेज से आने जाने के लिए समस्या की बात है। आप ठीक कह रहे हैं कि कई चीज़ें हैं जो ज़रूर पहले देखनी चाहिए थी, पर्सपेक्टिव प्लानिंग जिसको कहते हैं, कि दूर की सोच के प्लान करना चाहिए था। गलती रहेगी, जिस जो भी दोषी होगा उसको जरूर, जो भी उचित कार्रवाई होगी उसके खिलाफ उचित कार्रवाई जरूर बिठाई जाएगी। दोषी सरकार में से होंगे या अधिकारियों में से? अधिकारियों के क्यों, सरकार के नुमाइंदे राजनीतिक जो सफ़ेद पोषे वो इतना अधिकारियों पर भंडा फोड़ देते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही से, अधिकारियों की कमी से बोले ये मामला हो गया। जो भी होगा मैंने आपको बताया, उसको जांच करके और उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। रमेश भाई मेरी बात सुन ले, किसी अधिकारी की कोई गलती नहीं है, गलती है तो उस पद पर बैठे उन लोगों की है, सरकार की है। एक साल पहले भी ये हालात थे, यदि अगर ये रास्ता नहीं बनाना था तो क्यों बनाया एक साल पहले, किस लिए ये पैसा खराब कराया? यही हालात करनी थी तो उस समय भी था, और जब एक साल का हो गया इसने, यदि अगर ये बंद करना था तो उससे पहले इसका अल्टरनेट देना चाहिए था। मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, आज भी सहमत नहीं हूँ इस बात से। अगर इसमें सरकार की खामियाँ नहीं है, मंत्री जी मेरे साथ खड़े हैं, हालांकि ये सरकार है, मैंने इनके पास होते हुए ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि इसमें जो है ना सारी की सारी गलती जो है सरकार की है। सरकार जो है ना पहले सोचनी चाहिए थी, अधिकारियों के ऊपर कोई बंडा फोड़े तो वो गलत है, अधिकारी वही करते हैं जो सरकार के आदेश होते हैं। जी, जैसे विधायक जी की बात नहीं सुनी, आप डिप्टी सीएम साहब से बात करेंगे? हाँ बिल्कुल, डिप्टी सीएम साहब, मैंने तो आपको पहले कहा मिल बैठ करके समाधान करेंगे। अच्छा, हाँ। जल्दी से जल्दी होगी जी। अनूप जी हैं, मंत्री है, जैसे इन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी बरवाला और एक सदस्य आने वाला रास्ता जो तलवंडी का है उसको जल्दी से जल्दी निवारण किया जाएगा, उसकी समस्या का मिल बैठ के उसने उसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। देखने वाली बात होगी रास्ता कब तक निकलेगा और कब इसकी समस्या के हल होगी उसको लेकर निरंतर। हालांकि जोगीराम सिहाग विधायक ने कह दिया कि कोई अधिकारियों पर भंडा ना फोड़े, क्योंकि बड़े उच्च नेता पे जो बैठे, बड़े उच्च पदों पर जो नेता बैठे उनकी खामियों के कारण उनकी एक तरह से उनका जो डिसीजन लेने का जो पावर था वो गलत था, इस कारण से जैसे वहाँ के जो लोग हैं तलवंडी राणा के उनको सड़कों पे आकर